हेलो व्यूअर्स, डीटीसी एलआरडीसी द्वारा आयोजित ई लर्निंग सीरीज में जीपीसी झालावाड़ की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं आपको EL-302 के ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताऊंगी। इसमें ये मई 18 का एक पेपर है, मई 2018 का। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जैसे डिफाइन सब रूटीन। सब रूटीन क्या होता है? अपन एक प्रोग्राम, कोई कंटिन्यूअस मेन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कुछ एक पार्ट है, उसका सब रूटीन जो है, उसमें अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम अगर हमें चलाना है बीच में, तो वो सब रूटीन होता है। जैसे सब रूटीन इज ए सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। उसमें कोई पर्टिकुलर टास्क हमें बीच में करना है, तो ये सब रूटीन होता है। ये इसको हम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बीच में कॉल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड ऑफ 8086। 8086 दो मोड में काम करता है, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। मैक्सिमम मोड तब होता है जबकि इसकी जो MN/MX पिन है वो लो होती है। अगर एक्टिव लो होती है तो वो मैक्सिमम मोड में काम करता है, और एक्टिव हाई होती है तो मिनिमम मोड में काम करता है। क्योंकि जो पिन है इसका नाम देखिए MN/MX बार, तो जिसपे भी बार होता है वो एक्टिव लो होता है। मैक्सिमम मोड में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं सिस्टम में, जबकि मिनिमम मोड में एक ही प्रोसेसर होता है सिस्टम में। मैक्सिमम मोड में ये जो सिग्नल जनरेट करता है QS1, QS0, S0, S1, S2 बार, लॉग बार, RQ बार, GT1 बार, GT0 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं ये। जबकि मिनिमम मोड में जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो INTA बार, ALEDEN बार, DT/R बार, M/IO बार, HLDA, Hold एंड WR बार। मैक्सिमम मोड में इंटरफेसिंग मास्टर ऑब्लिक स्लेव एंड मल्टीप्लेक्सिंग एंड सेवरल सच कंट्रोल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड। जबकि मिनिमम मोड में कोई इंटरफेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर है और उसमें कई प्रोसेसर्स हैं, तो इसलिए मास्टर स्लेव भी चाहिए होता है, इंटरफेसिंग भी चाहिए होती है। और मैक्सिमम मोड में बस कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल सिग्नल्स, टू प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल्स। जबकि मिनिमम मोड में कोई बस कंट्रोलर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ क्यू इन 8086? 8086 में इंस्ट्रक्शन क्यू 6 बाइट्स की होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ एड्रेस बस एंड डाटा बस इन 8086? 8086 में एड्रेस बस 20 बिट की होती है, जबकि डाटा बस 16 बिट की होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन सब BX एंड कंपेयर BX इंस्ट्रक्शन, CMP BX इंस्ट्रक्शन। दोनों ही इंस्ट्रक्शन में सब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों में केवल यही है कि सब्ट्रैक्शन में तो इसका जो रिजल्ट होता है वो स्टोर होता है, जबकि सीएमपी में इसका रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट स्टोर नहीं होता है। सीएमपी जो इंस्ट्रक्शन है वो केवल फ्लैग्स को सेट करने के लिए होती है। नेक्स्ट पेपर है स्पेशल एग्जाम 2017 का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड एक्सप्लेन। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जिसमें कोड सेगमेंट में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने एग्जीक्यूट होने वाली है उसका जो ऑफसेट एड्रेस है वो रखा जाता है। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, इसको हर इंस्ट्रक्शन बाइट जब फेच की जाती है तो इसको आईपी को इंक्रीमेंट किया जाता है। इट गेट्स ए न्यू वैल्यू व्हेनेवर ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन ऑकर्स, और जब कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है तो इसकी नई वैल्यू आ जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामेबल टाइमर। प्रोग्रामेबल टाइमर जो है वो टाइमिंग एंड काउंटिंग के फंक्शन के लिए रियल टाइम एप्लीकेशन में काम आता है, जैसे कि BCD/Binary काउंटिंग, जनरेशन ऑफ एक्यूरेट टाइम डिले, जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, रेट जनरेशन, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब सिग्नल्स और वन शॉट सिग्नल ऑफ डिजायर विड्थ। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट इन 8086? 8086 के एड्रेसिंग मोड्स में जो हम मेमोरी को अलग अलग सेगमेंट्स में देते हैं, तो उसका जैसे बेस एड्रेस तो हो गया स्टार्टिंग एड्रेस उस सेगमेंट का, लेकिन उस सेगमेंट में पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे आपका जो है ऑपरेंड रखा हुआ है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, ये ऑफसेट बताने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है। इट इज एन अनअसाइंड 16 बिट नंबर दैट एक्सप्रेसेस द ऑपरेंड्स डिस्टेंस इन बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेगमेंट इन which it resides. Write various uses of 8051 microcontroller
माइक्रो कंट्रोलर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के काम आता है। इसके यूज जो है ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिक्स, स्पेस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एप्लीकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, रेल ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग और मेडिकल एप्लीकेशन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वोल्टेज लेवल्स इन RS-232C स्टैंडर्ड्स। RS-232 स्टैंडर्ड में लॉजिक हाई अगर 1 है तो वो रिप्रेजेंट नेगेटिव वोल्टेज को करता है, -3 to -25, जबकि लॉजिक लो 0 ट्रांसमिट ए पॉजिटिव वोल्टेज फ्रॉम +3 to +25। इसमें उल्टा है क्योंकि 1 पे माइनस होता है और लॉजिक लो पे प्लस होता है, और मोस्ट पीसीज में ये जो सिग्नल स्विंग करता है वो है -13 to +13। आई होप आपको ये दोनों साल के पेपर के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।